हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पालक की पूरी की रेसिपी और हरे धनिए का रायता। तो ये देखिए, ये मैंने पालक की पूरी ली है, इसके साथ मैंने लिए मटर पनीर की सब्जी और ये है हरे धनिए का रायता, जो बहुत ही इजीली बन जाता है और बहुत ही पौष्टिक होता है, और ये पालक की पूरियाँ। तो चलिए, इन सब की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा। ये देखिए, पालक की पूरी बनाने के लिए मैंने ये बिल्कुल फ्रेश पालक काटा है अपनी क्यारी से और इसको मैंने दो बार अच्छे से धो लिया है। तो अब क्या करेंगे हम, पालक को उबालेंगे। तो उबालने के लिए मैंने एक पतीला ले लिया है और ये जो पालक है उस पतीले में मैंने डाल दी है। तो सारी पालक हमें इस पतीले में डाल लेनी है। पतीले को देखिए मैंने गैस पे रख दिया है और इसमें अब मैं डाल रही हूँ पानी। तो इसमें हमें ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आधा गिलास आप इसमें पानी डालिए, क्योंकि ये जो पालक होती है इसमें ऑलरेडी पानी होता है। तो जैसे ही ये पानी गर्म होता जाएगा ये पालक जो है सिकुड़ती जाएगी और अपना जो पानी होता है वो रिलीज करती जाएगी। इसलिए पालक जब भी हम उबालें उसमें ज़्यादा पानी ना डालें, सिर्फ 1 कप के लगभग हम उसमें पानी डालें। तो इसको अब हम उबाल लेते हैं। जैसे जैसे हमारी पालक उबलती जा रही वैसे वैसे अपना पानी रिलीज कर ली, हमने सिर्फ 1 कप पानी डाला था। और देखिए पालक उबल गई है अच्छे से, देखिए। तो अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और पालक को कर लेते हैं हम ठंडा। अब आटे में डालने के लिए हम करेंगे एक मसाला तैयार। तो मसाला तैयार करने के लिए देखिए, 4 से 5 मैंने लिए लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा लिया है साबुत धनिया, 1 टुकड़ा लिया अदरक का, 2 ली है मैंने हरी मिर्च, और सारी चीज़ों को हम मिक्सी जार में डाल देंगे। इसके साथ ही ये हरा धनिया लिया है मैंने, इसको धो लिया था अच्छे से, बिल्कुल फ्रेश धनिया है। ये हम जो पूरी बनाएंगे पालक की उसके लिए मसाला रेडी कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें लेनी है 2 चम्मच दही की। दही भी खट्टा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्रेश दही है। तो ये डाल दिया है दही। सौंफ आप डाल सकते हो, ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हो, मेरे को पसंद नहीं इसलिए मैं सौंफ इसमें नहीं डाल रही। थोड़ी मोटी वाली सौंफ होती है ना, वो डालना है। और ये ले लिया है मैंने पालक, जो पालक मैंने उबाला था वो पालक ठंडा हो गया है। और अब सारी चीज़ों को हमें डाल के और मिक्सी जार में इसका एक पेस्ट बना लेना है। अब हम लगाते हैं पूरियों का आटा। तो पूरियों का आटा लगाने के लिए 2 बाउल मैंने गेहूं का आटा लिया है और 1 बाउल ये लिया है मैंने बेसन, जिसको हम ग्राम फ्लावर बोलते हैं। इससे क्या होता है कि पूरियों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और बहुत ही खस्ता पूरियाँ बनती हैं। अब डालते हैं हम स्वाद के अनुसार नमक। तो मैंने 1.5 चम्मच के करीब नमक डाल लिया है। इसके साथ ही अब हमें डालना है थोड़ा सा धनिया पाउडर, 1/4 स्पून। थोड़ा सा हम डालेंगे जीरा, 1 चुटकी भर जीरा डालना है। 1 स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची का पाउडर और 1/4 स्पून मैंने डाल ली इसमें अजवाइन। और अब इसमें डालेंगे हम मोयन, जिसमें आप घी भी ले सकते हो, तेल भी ले सकते हो। तो मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब देसी घी डाला है। अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। और काला नमक हमने थोड़ा ही डाला है, तो 1/4 स्पून हम इसमें वाइट वाला नमक भी ऐड करेंगे। जो जो हमने मसाले डाले थे, अब सारे मसालों को हमें अच्छे से आटे के साथ मिला लेना है। ये जो घी है इसको भी आटे के साथ, पानी हमें बाद में डालना है। पानी की तो अगर हमें ज़रूरत होगी तो हम डाल लेंगे, थोड़े बहुत पानी की ज़रूरत होती है इसमें। तो सारे मसाले को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद अब हम डालेंगे जो मसाला पालक का धनिए का हमने पेस्ट बनाया था वो मसाला। थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ना मिक्सी जार में वो भी हमें डाल देना है। और अब इसको भी हमें आटे के साथ मिक्स करना है, ऐसे हमें मिक्स कर लेना है। पालक तो भैया आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है पालक में कितने गुण होते हैं। पालक तो गुणों से भरपूर होती है। अगर आपके बच्चे वैसे पालक नहीं खाते हैं तो आप किसी भी तरीके से उनको ये पालक खिला सकते हैं, पूरी बनाकर, पराठे बनाकर, रायता बनाकर, सूखी सब्जी बनाकर। तो मैंने ये सारा जो मसाला था वो आटे के साथ अच्छे से मिला लिया है। तो अब इसमें थोड़ा थोड़ा हमें डालना है पानी। अब हम वो आटा लगाएंगे जो हम पूरी का आटा लगाते हैं, ना कि हम रोटी का आटा लगाते हैं वैसा आटा, क्योंकि
क्योंकि रोटी का जो आटा होता है थोड़ा नरम होता है और जो पूरी का आटा होता है वो थोड़ा टाइट होता है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना हमें आटे को अच्छे से गूंद लेना है। ये देखिए मैंने आटा गूंद लिया है। तो जो पूरी का आटा होता है उसमें हमें लोच अच्छे से लगाना, जितना हम आटे में लोच लगाएंगे उतनी हमारी पूरियाँ टेस्टी और सॉफ्ट बनेंगी। तो इस तरीके से हमें सारे आटे में अच्छे से लोच लगा लेना है। तो ये आटा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। तो इस तरीके से आप पूरी का आटा रेडी कर सकते हो। अब हम बनाते हैं पूरियाँ। अब क्या करना है, हमें आटे का 1/4 पोर्शन ले लेना है और इसको गोल गोल घुमाते हुए ये देखिए इस तरीके से अब हम इसकी बनाएंगे लोइयाँ। तो लोई तो जो है आप वैसे भी तोड़ के आटे को बना सकते हो अपने तरीके से, सबका अपना अपना तरीका होता है। किसी भी तरीके से आप आटे की लोइयाँ बना लेना और अपने हिसाब से बना लेना, पतली और मोटी जैसी भी आप पूरियाँ बनाते हो। तो मैंने ये लोइयाँ तोड़ ली हैं आटे की, ये देखिए। और अब लोइयों को हमें गोल गोल घुमाते हुए, अगर नहीं बन रही है तो हमें थोड़ा सा तेल लगा लेना है। ये मैंने सारी लोइयों के ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल लगा दिया। इससे क्या होता है, ये हाथों की चिपकेंगी नहीं और पूरियाँ भी हमारी अच्छे से बिल जाएंगी। तो ये मैंने लोई बना ली है और अब इसकी मैं बेलूंगी पूरी। तो ये पूरी मैंने बेल दिए, देखिए। तो आप अपने तरीके से पूरियाँ बेल लेना। और सब पहले तो हमें सारी पूरी लोइयाँ बना के ना पूरियाँ बेल के रख लेनी है। तो ये पूरियाँ मैं एक प्लेट में रख रही हूँ। तो हमें सारी पूरियाँ इस तरीके से बेल के ना और पहले एक प्लेट में रख लेनी है और उसके बाद हम जो ये पूरियाँ हैं फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से पूरियाँ बेल लेना आप। मैंने सारी पूरियाँ देखिए बेल ली हैं, अब इनको हम करते हैं फ्राई। ये कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया था, ये मैंने सरसों का तेल डाल दिया है। और तेल हमारा गर्म हो गया है या नहीं इसके लिए हम थोड़ा सा आटा तेल में डाल के देखते हैं कि हमारा तेल गर्म हुआ है या नहीं। तो हमारा जो तेल है वो लगभग गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे पूरी और हल्के हाथों से पूरी को दबाते हुए हम फ्राई करेंगे। ये देखिए पूरी हमारी अच्छे से फूल चुकी है। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, इस तरीके से हमें सारी पूरियां फ्राई करनी है। अब पूरी को हम निकाल लेते हैं। पूरी हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है और इस तरीके से अब हम दूसरी पूरी भी तेल में डाल देते हैं और हल्के हाथों से उसको दबाते हुए फ्राई कर लेते हैं। तो ऐसे आपको सारी पूरियां फ्राई कर लेनी है। सारी पूरियाँ देखिए मैंने फ्राई कर ली हैं, बहुत ही अच्छी फूली फूली सी हमारी ये पूरियाँ बनी है। तो चलिए अब गर्मा गर्म खाते हैं हम पूरियाँ। तो ये गर्मा गर्म पूरियाँ जो पालक की पूरी हैं ये मैं सर्व कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही फूली फूली सी हमारी पूरियाँ बनी हैं। इसके साथ ये मैंने लिया है धनिए का रायता और ये है मटर पनीर की सब्जी। मटर पनीर की सब्जी और रायते का कम्बिनेशन पूरी के साथ बहुत ही टेस्टी सा बनता है। और ये है लच्छा प्याज। तो आप भी एक बार ये जो रेसिपी है पालक की पूरी बहुत ही अच्छी बनेगी, आप मेरे कहने से एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बच्चों के लिए भी बहुत पौष्टिक होती है, हम सब के लिए पालक तो बहुत ही पौष्टिक होती है। इसलिए आप भी इस तरीके से बच्चों को पालक खिला सकते हैं, पूरियाँ बनाकर, पराठे बनाकर, किसी भी तरीके से। अगर वैसे बच्चे पालक नहीं खाते हैं तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, बाय बाय, थैंक यू।